Veronica. Yeah. How are you liking Vegas so far? I love it. Yeah? I love the vibe of this place. It's totally different, right? There's no place like this. Yeah, that's for sure. Yeah? There is something about Vegas. Las Vegas, also known as the party and gambling capital of the world, it's truly a different world. From crazy parties, huge casinos, to spectacular shows, there is something for everyone in Las Vegas. So, aaj ki video mein main explore karunga Las Vegas ki famous strip, just to find out if this city is as crazy as they say. तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट टुडे स्पॉन्सर epidemicsound.com। अगर आप मेरा चैनल बहुत टाइम से देख रहे हो, अगर आप मेरे लॉन्ग टर्म फॉलोअर हो, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा जितना भी म्यूज़िक होता है मेरी वीडियोस में, वो मैं सारा एपिडेमिक साउंड से यूज़ करता हूँ। एपिडेमिक साउंड बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है विच प्रोवाइड्स यू विद हाई क्वालिटी कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो अभी तक आपको पता होगा कि आप कोई भी ऐसी म्यूज़िक नहीं यूज़ कर सकते अपनी वीडियोज़ में, यू विल गेट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, एंड एपिडेमिक साउंड हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ साउंड इफेक्ट्स, हाई क्वालिटी म्यूज़िक। हर हफ्ते नया म्यूज़िक ऐड होता है epidemicsound.com पे, एंड मैं epidemic sound यूज़ कर रहा हूँ अपनी पहली वीडियो से, सो आई कैन हाईली रिकमेंड इट टू यू गाइज। द थिंग विच आई लव द मोस्ट अबाउट epidemic sound इज कि म्यूज़िक ढूंढना कितना ज़्यादा आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की वीडियो के लिए मैंने सिर्फ लास वेगास सर्च किया epidemic sound की वेबसाइट पे, एंड आई गॉट सो मेनी ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। मतलब आप इजीली किसी भी टाइप का म्यूज़िक ढूंढ सकते हो, चाहे फिर आप कैसी भी वीडियोस बनाते हो, ट्रैवल, टेक, कोई भी आपका जॉनर हो, आपको हर टाइप का म्यूज़िक मिलेगा epidemicsound.com पे। एंड आप दो प्लान्स के बीच में चूज़ कर सकते हो, यू कैन आइदर गो फॉर द पर्सनल प्लान अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हो, एंड अगर आपको वहाँ पे अपना कंटेंट मोनेटाइज करना है। बट इफ़ यू मेक वीडियोस फॉर क्लाइंट्स, अगर आप क्लाइंट वर्क करते हो, देन यू कैन गो फॉर द कमर्शियल प्लान। बोथ ऑफ देम आर रियली रियली अफोर्डेबल। सो गाइज, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एंड अगर आप मेरी लिंक से जाके साइन अप करोगे तो यू विल गेट 30 डेज फ्री ट्रायल, नो स्ट्रिंग्स अटैच। आप जाके कितना भी म्यूजिक डाउनलोड करो अपने ट्रायल पीरियड के दौरान, एंड अगर आप बाई चांस कैंसिल भी करते हो अपना ट्रायल, तो जितना भी म्यूजिक आपने डाउनलोड किया था विद इन ट्रायल पीरियड, एंड आपने अगर कॉन्टेंट बनाया था उस म्यूजिक के साथ, दैट कॉन्टेंट विल स्टिल बी मोनेटाइज, आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। सो गाइज, यू कैन चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। Go sign up for Epidemic Sound right now, and अब start करते हैं आज की video. What's up guys and welcome back to another vlog. आज है हमारा दूसरा दिन यहाँ Las Vegas में। कल रात को हमारा plan तो था कि strip वगैरह घूमेंगे, but क्योंकि बाशन एंड जेफरी भी 5 घंटे की flight लेके आए थे, and हम भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा सारी night life आज के लिए रखते हैं, जो भी party वगैरह करनी है। तो कल हमने ज़्यादा कुछ explore किया नहीं, but आज पूरी night life देखेंगे Vegas की। अभी तक हम अपने होटल के casino भी नहीं गए हैं ढंग से, तो आज वो भी करेंगे एंड सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। बट सुबह सुबह तो सबसे पहले जा रहे हैं हम नाश्ते के लिए। एक बहुत ही अच्छा अमेरिकन डाइनर ढूंढा है हमने, इतना ज़्यादा हमेशा से मन था मेरा एक अमेरिकन डाइनर पे जाके खाने का, जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। बट उससे पहले एक बार बाशन जफरी को पिकअप करना है सीजर्स पैलेस से, फिर चलते हैं नाश्ता करने, एंड देन देखते हैं कि आज क्या करना है ड्यूरिंग द डे, एंड रात को तो ऑब्वियसली नाइट लाइफ इन्जॉय करेंगे। तो अलॉन्ग द वे आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है सीजर्स पैलेस की। We wanted to go with you. Yeah. We really tried. Yeah, sure. You fell asleep. I wasn't sleeping. I wanted to go to the casino, but you went without me. Okay, so Basha, this is exciting. Can you tell us what did you just do? Well, we went to the what was that place? The Marriage Bureau. Yes, there. And since in Poland it takes 9 months to get married to someone who's not from Poland, we decided to go to Vegas. That's so cool! We are going to the chapel, right? You will get married in the chapel? Yes. So when are we going there? Tomorrow. What is your recommendation when it comes to American breakfast, Jeffrey? Well, I would say the best place is Denny's, originally from South Carolina, and it
But I mean, what should we order there? That I mean, you can get anything. Hash browns and eggs, French toast and pancakes. Yeah, they have everything you can think of. Yeah, I mean, it's everything you need. Everything you need, yes. And this trip, you will get so many souvenirs souvenirs. Vegas की t-shirts, बहुत सारा bachelor का सामान होता है bachelor party का। तो हम walk करके जा रहे हैं Denny's तक, यहाँ से 15 मिनट की walk है, बिल्कुल strip के बीचों बीच है, जहाँ पर little New York है। And यहाँ पर even एक Indian restaurant है, Tamba Indian cuisine। तो Indian खाना तो ऐसा है कि आपको हर जगह मिलेगा, चाहे फिर वो Las Vegas हो या फिर कहीं और। And यार यहाँ गर्मी सुबह से ही इतनी ज़्यादा हो जाती है। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, अभी 40 डिग्री हो गया है, तो दिन में तो वैसे कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, सिर्फ होटल में कैसीनो वगैरह खेलो या तो बाय द पूल चिल कर सकते हो। तो ये है अमेरिकन डाइनो जहाँ हमें जाना है Denny's, बट यार आप भीड़ देखो बाहर, हर बंदा ब्रेकफास्ट करने यहीं आया हुआ है क्योंकि बहुत ही फेमस जगह है ये ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी आई थिंक 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो जितने हम वेट कर रहे हैं उतने मेन्यू ले आए देखने के लिए, एंड यार सब कुछ इतना बढ़िया लग रहा है। Veronica, you have to get these pancakes. Yeah, maybe I will get pancakes and you will get something salty and we will share. Yeah. Thank you. Maine Nashville hot chicken sandwich mangaya hai. I'm waiting for my pancakes. Pancakes? Yeah, hold on a minute. Look at that. So fluffy. तो ब्रेकफास्ट करके हम आए हैं वापस होटल, बहुत ही बढ़िया खाना था, एंड अब हम फाइनली जा रहे हैं कैसीनो। तो मैं आपको अपने होटल का कैसीनो दिखाता हूँ, द कॉस्मोपॉलिटन का, एंड देखते हैं कि कुछ जीतते हैं या नहीं। तो कैसीनो जाने से पहले हमने सोचा है कि एक ड्रिंक पीते हैं। यार वेगस में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हर होटल में ऐसे इतने बड़े बड़े आइस डिस्पेंसर लगे हुए हैं हर फ्लोर पर, अगर आपको आइस चाहिए। तो ये पूरा स्लॉट मशीन वाला एरिया है, सामने बार है, तो स्टार्ट तो स्लॉट मशीन से ही करते हैं। हाउ मच आर यू बेटिंग? $20। सबसे पहले ये वाली स्लॉट मशीन खेल रहे हैं। इतना बड़ा कैसीनो है, मतलब स्लॉट मशीन का सेक्शन ही इतना बड़ा है, टेबल्स तो आगे जाके हैं सारी। सो आई थिंक ऑलमोस्ट $10 तो हार गए हैं अभी तक। कल ही इस वाली मशीन पे बादशाह ने $30 जीते हैं $1 बैठ करके। ओके यू वांट समथिंग? नो नॉट अ लॉट, शो मी हाउ मच यू वांट। आई लूज $10। कोई और मशीन ट्राई करते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ रूलेट खेलने का। तो मैंने सिर्फ $10 बैट किए थे एंड आधा घंटा रूलेट खेल के $56 जीत गया हूँ, एंड वेरोनिका वगैरह अभी भी खेल रहे हैं। How much did you win, Veronica? $6 right now. Six? Yeah. And here Vegas में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप कैसीनो खेल रहे हो तो ड्रिंक्स अनलिमिटेड फ्री हैं, आप कितनी भी मंगाओ, कोई भी कॉकटेल, कोई भी मॉकटेल, जो आपको मंगाना है जब तक आप मशीन पे बैठे हो। What is that? Yes, I won $13. You doubled it, guys. That's why you should never play the casino. अभी मैं almost $60 जीत गया था and almost सारे हार गया, अब सिर्फ 30 सेंट बचे हैं। मैंने कहा here have fun. थोड़ी देर कैसीनो खेलने के बाद दिन में और कुछ करने के लिए था नहीं, तो हम अपने होटल के पूल में आ गए। ये है कॉस्मोपॉलिटन का पूरा मेन पूल एरिया, यहाँ पर ये आप ये सनबेड रेंट कर सकते हो, ये इंक्लूडेड नहीं है बट हमारे लिए ये फ्री थे। ये सामने पूरी बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है होटल में, ये है इनका बुलेवार्ड टावर एंड ये इनका बुलेवार्ड पूल है, सामने लिटिल पैरिस, एंड उस साइड पे वो प्राइवेट कबानाज हैं अगर आपको कबाना रेंट करने हैं। वो सामने प्लैनेट हॉलीवुड है एंड ये इनका बाय द पूल बार है,
And they also have a hot tub. Maybe you need a hot tub in 44 degrees. No, this hot tub is so hot. But that pool is perfect. Hand on my head, chest on my chest. Be my lover, yeah. Be my best. तो हम फाइनली निकले हैं शाम को ये लास वेगास की स्ट्रिप एक्सप्लोर करने हैं. बेसिकली जो लास वेगास की मेन रोड है ये 6 किलोमीटर लंबी रोड, इसे लास वेगास स्ट्रिप कहते हैं. एंड अब मैं आपको पूरी ये लास वेगास की स्ट्रिप दिखाता हूँ, क्योंकि जितनी भी सारी नाइट लाइफ है लास वेगास की वो इसी पे लोकेटेड है. ये लेफ्ट में बाय द वे हमारा होटल है द कॉस्मोपॉलिटन. वेरोनिका, या हाउ आर यू लाइकिंग वेगास सो फार? आई लव इट. या आई लव द वाइब ऑफ दिस प्लेस. इट्स टोटली डिफरेंट, राइट? देयर इज नो प्लेस लाइक दिस. या दैट्स फॉर श्योर. या देयर इज समथिंग अबाउट वेगास. This Eiffel Tower looks better than the real one. No, that's not true. The original one is way bigger than this one. Yeah. So, even though acha bahut hai ye Eiffel Tower, but jo asli wala hai wo isse kafi zyada bada hai. Veronica, don't you think it's too crowded for a Wednesday? It's so crowded, really. मतलब चलने की भी जगह नहीं है यहाँ स्ट्रिप पे. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि मतलब वीकेंड पे क्राउडेड होता है. सबसे पहले हम जा रहे हैं प्लैनेट हॉलीवुड. एक बहुत ही अच्छा इंडोर शॉपिंग मॉल है, होटल भी है, बट होटल के अंदर ही एक शॉपिंग मॉल है, बहुत ही बढ़िया. ये है प्लैनेट हॉलीवुड की एंट्रेंस. एंड यार आप वेगास में कहीं भी चले जाओ, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखेगी वो है कैसीनो, चाहे फिर वो मैकडॉनल्ड्स हो, कोई भी होटल हो, हर जगह इतने सारे कैसीनो हैं. ओह माय गॉड, इट्स कॉलिंग मी. कैसीनो? या यू नो आई हैव दिस वन रिक्वेस्ट फॉर यू. इफ यू डोंट नो हाउ टू लूज ऑन प्लेइंग द कैसीनो, बिकॉज़ यू विल नॉट विन एवरी सिंगल टाइम. And yeah. For example, Ishan is this person who cannot lose, he can just win. Right. Otherwise, his mood will be spoiled for the whole day. क्योंकि आज हम $50 हार गए, and तब से मुझे मतलब काफी बुरा लग रहा है. तो ये जो लास वेगास की स्ट्रिप है, इसके बेसिकली तीन पार्ट है, नॉर्थ, साउथ एंड सेंटर. एंड अभी हम नॉर्थ वाले पार्ट में जा रहे हैं, जहाँ पर लिटिल इजिप्ट है. तीन चार मेन चीज़ें हैं देखने वाली, एक लिटिल न्यूयॉर्क, लिटिल पेरिस, लिटिल इजिप्ट, लिटिल इटली. इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं यहाँ पे. यू नो इवन दो इट्स लाइक 11 PM, या इट्स सो हॉट, या दैट लाइक एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस ड्यूरिंग द डे इट्स लाइक इम्पॉसिबल. तो इसीलिए अगर सिर्फ घूमना भी है तो भी रात को ही निकलना पड़ता है. अगर आपको पार्टी नहीं भी करनी, सिर्फ वेगास घूमने निकलना है, तो भी बेस्ट टाइम सनसेट के बाद ही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी दुकानें, सारे शॉपिंग मॉल, सब कुछ 24 आवर खुला होता है. तो ऐसा नहीं है कि आप रात को जाके कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते. तो आप आराम से रात को निकलो एंड पूरी ये वेगास की स्ट्रिप देखो. बस यही है वेगास में देखने लायक. एंड जितनी भी पार्टीज़ वगैरह होती हैं वो बेसिकली यहाँ के जो फेमस नाइट क्लब्स हैं, ओमनिया, मार्की, उनमें होती है. बट क्योंकि आज वेंसडे है तो आज कोई भी पार्टी नहीं हो रही, वरना आपको एक पार्टी भी दिखाते हैं लास वेगास में. एंड जो हमारा होटल है कॉस्मोपॉलिटन, उसका जो क्लब है वो भी वन ऑफ द बेस्ट क्लब है यहाँ वेगास में. एंड अगेन आज कोई पार्टी नहीं थी वहाँ पे, वरना वहाँ पर ड्यूरिंग द वीकेंड दिन में पूल पार्टी होती है एंड रात को नॉर्मल पार्टी. यू नो आई थिंक इट मस्ट बी वन ऑफ द कूलेस्ट प्लेसेस टू हैव योर बैचलर और बैचलरेट पार्टी. तो ये बेसिकली लिटिल न्यूयॉर्क, ये सारी उसी फैशन में इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है. आई थिंक ये है ब्रुकलिन ब्रिज, जो न्यूयॉर्क का फेमस ब्रुकलिन ब्रिज है. एंड वहाँ सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी बनाया हुआ है इन्होंने, दिखाता हूँ मैं आपको. एंड वो है सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. इट डजंट मेक एनी सेंस, लाइक देयर इज अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देन देयर इज अ ह्यूज पिंक एप्पल, एंड राइट बिहाइंड इट देयर इज अ ह्यूज कैसल. सो यू डोंट नो व्हाई देयर इज अ पिंक एप्पल? नो, बिकॉज़ न्यूयॉर्क इज कॉल्ड बिग एप्पल. या या देन. तो ये है मेरे पीछे लास वेगास का स्टैचू ऑफ लिबर्टी. एंड इसके सामने ये बिग एप्पल बनाया हुआ है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी को बिग एप्पल कहते हैं. एंड बहुत ही एक अच्छा ये बिग एप्पल कोस्टर भी है यहाँ पे, रोलर कोस्टर टाइप. ऑनेस्टली आई रियली रिग्रेट वी आर नॉट हियर फॉर लॉन्गर, बिकॉज द
there's so many things to do here and yeah. so many amazing events and concerts yeah. that like you could do something different every single day. Yeah, at least 5 days. तो अगर आप लॉस वेगास आओ तो एक वीकेंड ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि जितने भी सारे सबसे बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, सबसे बड़े बड़े जो डीजे आते हैं, वो सारे वीकेंड पे ही आते हैं। वीकडेज पे आपको पार्टी करने को मिलेगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे आज यहाँ पर कोई भी इवेंट नहीं हो रहा, तो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिप घूम के आ सकते हो या फिर अपने होटल में कसिनो वगैरह खेल सकते हो। बट अगर आपको मेन जो सबसे बड़ी बड़ी पार्टी इन्जॉय करनी है, तो उसके लिए तो आपको वीकेंड पे ही आना पड़ेगा यहाँ पे। सो ये है बेसिकली पूरी न्यूयॉर्क सिटी लास वेगास की। देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, बट असली वाली जाके देखूंगा कि कितनी सिमिलर है। वेरोनिका, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज दिस? इट्स अ कैसल। ये हमारे सामने एक और होटल है। इसका यार आप आर्किटेक्चर देखो कैसा बनाया हुआ है। एंड यहाँ लास वेगास में ऐसी स्काई ट्रेन चलती हैं। अगर आपको स्ट्रिप पे कहीं भी जाना है, मतलब बिल्कुल नॉर्थ की स्ट्रिप से साउथ की स्ट्रिप तक चलती हैं। तो आज तो बस हमें बेसिकली ये स्ट्रिप एक्सप्लोर करनी थी। बस लास्ट हम लिटिल इजिप्ट तक जा रहे हैं, जो लुक्सोर होटल है। एंड ये जो पार्ट है स्ट्रिप का, ये मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल भी हैपनिंग एरिया नहीं है। डोंट यू थिंक सो दैट दिस पार्ट इज लाइक वेरी एम्प्टी ऑफ द स्ट्रिप? या दिस वन इज। आई वुड रादर स्टे समवेयर लाइक नियर द फाउंटेन। या नियर बेलाजियो वेयर वी आर स्टेइंग। तो अगर आपको भी यहाँ लास वेगास में स्टे करना है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा जो वो एरिया है बीच वाला स्ट्रिप का, जहाँ पर बेलाजियो, कॉस्मोपॉलिटन, ये सारे होटल्स हैं, सीजर्स पैलेस, वहीं पे स्टे करना है अगर आपको सबसे ज़्यादा इन्जॉय करना है। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड है, ऐसा लग भी नहीं रहा कि लास वेगास में है। अगर आपको यहाँ से अब वॉक करके जाना है वापस, तो अराउंड 25 मिनट की वॉक है। एंड यहाँ स्ट्रिप के अलावा वेगास में एक और एरिया है जो बहुत ज़्यादा फेमस है नाइट लाइफ के लिए, उसे फ्रीमोंट स्ट्रीट कहते हैं। वो मोस्ट प्रॉब्ली हम कल विजिट करेंगे। दिस लुक्स क्रेजी। या पूरा इजिप्शियन थीम्ड होटल है ये, इतना बड़ा वो इन्होंने वो मम्मी का स्टैचू बनाया हुआ है। एंड पीछे है वो होटल पिरामिड की शेप में, वहाँ पर पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लिखा हुआ है अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट लॉस वेगास। एंड लुक्सोर होटल की मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट शो होता है, वो यहाँ आप आके लाइव देख सकते हो। आज से ही स्टार्ट हुआ है, अराउंड $40-50 की टिकट है, एंड आप लाइव शो देख सकते हो। इन्होंने इतना बड़ा बोर्ड भी लगाया हुआ है, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट लास वेगास लाइव। तो गाइज़ आज तो बस इतनी स्ट्रिप एक्सप्लोर करनी थी, अब जा रहे हैं वापस होटल। बहुत ही फन जगह है यार, अगर आप दोस्तों वगैरह के साथ आओ। एंड बाकी सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।